हेलो रॉन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे खुश और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। शुएब अहमद की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के पास, और वो यू की जो सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट की, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है वो वीडियोज़ उनके देखने में, और इंडियंस उनको मिल रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं उनके। आज देखने वाले हैं इंडियन बच्चों की वीडियो और इंडियन बच्चे पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं, वही हम लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अंदर देखिएगा, पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज। What do you think about Pakistan? It's a good country, good scenery and all, but like the politics is a bit messed up. इतनी information. In which class you are? Eight. आठवीं क्लास का बच्चा ये चीजें जानता है पाकिस्तान के बारे में, क्या आपकी ओपिनियन है? बहुत अच्छी सुंदर जगह है, जबरदस्त। What do you think about Pakistan? It's a very beautiful place. आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, Pakistan is a nice place. Only is the problem between the governments. जबरदस्त। What you think about Pakistan? It's Pakistan जिंदाबाद। I love Pakistan जिंदाबाद। I'm Pakistani. अच्छा, ये you are Pakistani? Yeah. From where? Karachi. Karachi, are you sure? Yes. ये क्या सच बोल रही है? Yeah, 100%. मैं झूठ नहीं हूँ। अच्छा, और आपका नाम क्या? मेरा नाम जिमी चेटा है। ठीक हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि पाकिस्तान से भी हिंदू कम्युनिटी, जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तानी भी, पाकिस्तान पाकिस्तानी इंडियन है? आप भी पाकिस्तानी है और आप इंडियन? ये आपकी फ्रेंड है? हाँ, ये इंडियन से। देखो देखो देखो, डब में। अच्छा, मुझे बता रहे हो इंडिया पाकिस्तान। देखो, हमें ये लग रहा है कि इमरान खान आपका है, वो मोदी पार्ट टू है। अच्छा, हाँ, ये इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट है इमरान खान की जितनी आपको हमारी मोदी के लिए है। पाकिस्तान कप्तान कप्तान ही रहेंगे, और ये विश्व के कप्तान है हमारे। क्रिकेट लवर है, एब्सोल्युटली। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को भी ये मशवरा दिया है कि आप भी अपनी जो जमहूरियत है उसकी तरक्की के लिए जितना आप विकास कर पाए उसमें जो हम योगदान दे पाए, अच्छा, वो तैयार है। पाकिस्तान और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है सर, ऐसे होना चाहिए। हम भी रोज आपका चैनल में देख रहा हूँ, जबरदस्त, रोज देखता हूँ। मेरे हस्बैंड आपके फैन है, आपके भी सब वीडियो में देखती हूँ। ओके जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम, अगर आप आज यहाँ नहीं मिले होते तो हमें पाकिस्तान आना होता आपसे मिलने। मोहब्बत है, मैं अभी भी आपको कहता हूँ वेलकम है मेरी। व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट, आप जरूर आए, आपको मैं भी जरूर। क्यों नहीं सर, ऐसा ही इवेंट पाकिस्तान में हो बहुत बढ़िया रहेगा। आएंगे आप सारे क्रिकेटर? जरूर जरूर, हम सिंध के जरूर आएंगे। अच्छा, आप भाई एक बात बता रहा हूँ, एक ही माँ के दो बिछड़े बैठे हैं, कहीं भी मिल जाए। एक बात का मैं भी चैलेंज करता हूँ, कुछ लोग मुझे भी अक्सर ये कहते थे कि भाई इंडिया से लोग रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, आप अपना करें हम अपना करते हैं। नो डाउट अपना अपना ही करना है, लेकिन ये चीज मैं गारंटी से कहता हूँ कि मोस्टली इंडियन जो खासतौर पर एजुकेटेड इंडियन है और मोस्टली पाकिस्तानी जो अवेयरनेस रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं, वो हमेशा रिलेशन बेहतर करने की बात करेंगे। एक ही मुल्क था, ठीक है, बस एक ही लोग हैं, एक ही जबान है, एक ही रंग है, और आपकी चैनल तो जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं? ये पाकिस्तान का या इंडिया का नहीं, ये दोनों कंट्रीज का एक बस, चैनल बस, है। एक ही चैनल है। ठीक हो गया, खुश रहो, जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जीने दो, जबरदस्त, ठीक है नहीं सर? आप बड़ी दमदार बात करते हैं, और हम तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी एकदम एक ही जैसे। हेलो शेब भाई, मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे आप? बहुत अच्छे, हम आपका बहुत वीडियो देखते हैं। थैंक यू। ये बच्चों को हेलो, कैसे हैं सर जी? बस आपको, आपका वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं हिंदुस्तान में आपको। जी जी जरूर, फोटो आपका जरूर ले ले आ जी। अच्छा, साथ साथ बात भी करते हैं और साथ साथ फोटो भी लेते हैं। आप मेरे ख्याल से एडवोकेट तो नहीं? नहीं, एडवोकेट नहीं यार। शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स नितेश, नितिन, समर्थ, हरिनेश, अखिल, सौर्य, एवरीवन, दे आर वेरी स्टूपिड बट दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है जब एक ही वर्ड है मोदी है तो मुमकिन है, ये सबका कॉन्फिडेंस। जय जय हर हर मोदी, हर हर मोदी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि आज मेरे साथ इंडियन नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने UAE में अबू धाबी में नेशनल एंथम, जो इंडिया का नेशनल एंथम है, ना सिर्फ वो पढ़ा और साथ ही साथ वेलकम किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा हट के सवाल करेंगे आज के इवेंट के हवाले से और ओवरऑल। हेलो, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं फिटफाट। आपका नाम?
मेरा नाम करण है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहेब चौधरी, आपका नाम? अभिरामी। ठीक है, आज का ये इवेंट कैसा रहा आपका? अच्छा लगा तो। ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी बात जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है, बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, उनमें से कौन सी एक बात आपको बहुत ही जबरदस्त लगी? I felt that he really reached out to the country with his actions and speeches. अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी? He said that it was a world record, like itihas, so that was the best thing, and like all the religions were there, so relations with all other countries. Yeah, relations with all other countries. Okay, जबरदस्त, ऐसा ही। और इस इवेंट का मेन मकसद भी आई थिंक यही था कि मतलब ये है कि तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, पीस एंड हार्मनी का एक मैसेज दिया जाए। बच्चों, आपका नाम? आर्या। आपका नाम? राकेश। और आपका नाम? कश्यप। आप? प्रियांश। ठीक है, कैसा लगा आज का इवेंट? अच्छा लगा। ठीक है, ठीक हो गया। आप इंडियंस हैं? डेफिनेटली। मुझे बताएं आपके नेबर में जो कंट्री है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? बहुत अच्छी सुंदर जगह है। जबरदस्त। व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, गुड। एंड और कुछ? इट्स लाइक वेरी कोल्ड। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पाकिस्तान इज अ नाइस प्लेस, ओनली इज द प्रॉब्लम बिटवीन द गवर्नमेंट्स। जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल इस बच्चे की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के दरमियान है या जो भी मामला है, लेकिन पब्लिक टू पब्लिक अगर बात की जाए। हेलो सर, कैसे? हेलो भाई, मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ। बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, हम आपका बहुत वीडियो देखते हैं। थैंक यू। ये बच्चों को हेलो, कैसे हैं सर? जी बस, आपको आपका वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं हिंदुस्तान में आपको। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है जो बच्चे हैं उनमें से ज्यादा लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते। सर, आज के इवेंट के बारे में आपसे पूछूंगा एक दो मिनट का, क्या कहना चाहेंगे इवेंट के हवाले से? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको लगता है कि यार ये बात पूरी दुनिया में वायरल होनी चाहिए? भारत ने एक तो सारे भारतीयों के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर ने आत्मविश्वास भरा है, ठीक है, वो आज भारत की प्रगति आप देख सकते हैं। भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, ठीक है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, यूएई के साथ में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोलैबोरेशन बढ़े हैं, और उनके भी विजिट इतनी बार 10 विजिट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि और सिर्फ यूएई के साथ नहीं, मैं ये कहूंगा कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री खास तौर पे, उनके साथ रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं और बेहतरीन होते नजर आ रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में 78% मोदी जी को पसंद किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वैश्विक नेता तो है ही है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री भारत है तो इसलिए शायद ज्यादा वो पसंद किया जाता है? ये आबादी ये इन टर्म्स ऑफ पीपल नहीं कह रहे हैं, ये टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। जबरदस्त, जब ये परसेंटेज में व्यक्त किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एवरेज की जा रही है, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जा रही है। हो गया, आज आप प्राउड है, ठीक है, वेरी वेरी प्राउड एज इंडियन। जबरदस्त कि हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो इतने सदियों में नहीं पैदा हुए हैं, कि एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो हर इंडियन कहीं भी वर्ल्ड में हो गर्व से अपना सर ऊंचा रख के चल सकता है, एंड ही इज गिवन एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द कंट्री। ये जो कॉन्फिडेंस है ये नजर आ रहा है इस टाइम पे भारतीयों की नजर में। मोदी जी है जो वास्तव में उनमें एक बड़ी कला है, वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनको अटैचमेंट। मेरे ख्याल से आप सिर्फ भारत के लीडर नहीं रहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लीडर बन गए, और हमको ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है उससे हमको बहुत ही गर्व हो रहा है, ठीक है। और ये जो 10 साल से प्रधानमंत्री आए हैं हमारे, ठीक है, उससे हमारे पासपोर्ट की भी बहुत वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, हिंदुस्तान की, और हम जो यहाँ प्रवासी भारतीय हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ के लोगों में और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट है जब एक ही वर्ड है मोदी है तो मुमकिन है, ये सबका कॉन्फिडेंस। जय हर 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 मोदी, क्या बात। अच्छा, इससे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यूएई में मौजूद हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भारत में मौजूद हूँ, बिल्कुल इस तरीके से एक एनवायरनमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में भी अगर इस तरीके से कोई इवेंट हो तो आपको नहीं लगता पब्लिक टू पब्लिक? देखो, हमें ये लग रहा है कि इमरान खान आपका है वो मोदी पार्ट टू है। अच्छा, हाँ, ये हमारे कंट्री के इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट है इमरान खान की, जितनी आप वो हमारी मोदी के लिए है पाकिस्तान। मैं ये चीज ओपनली यहाँ पे खड़ा होकर कह सकता हूँ कि भाई जो भी आपस में कंफ्लिक्ट है, लेकिन पाकिस्तान का हर व्यक्ति, हर शहरी ये बात एग्री करता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंट्री के लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है। सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया करता है। इमरान जी आपके लिए करते हैं, कप्तान ही रहेंगे। अच्छा, और ये विश्व के कप्तान है हमारे। मेरे ख्याल से आप क्रिकेट लवर हैं। एब्सोल्युटली। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा,
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को भी ये मशवरा दिया है कि आप भी अपनी जो जमहूरियत है उसकी तरक्की के लिए जितना आप विकास कर पाए उसमें जो हम योगदान दे पाए। अच्छा, कुछ बोला देखो या पूरे वर्ल्ड प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, उनकी जो विजन है वो क्लियर है कि वसुदेव कुटुम्बकम ये पूरा जो विश्व है अपना परिवार है, उसके लिए हम पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, हम उसके विकास के लिए भी तत्पर हैं। ठीक है, बेशक ये है कि हमारे इस रीजन में इस रीजन के अंदर एशिया के साउथ रीजन के अंदर स्थायी और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे और विकास दोनों देश विकास करें, हम इसके लिए तत्पर हैं। जो बोल रहे हैं जो मोदी साहब ने एक मुस्लिम कंट्री में 27 एकड़ लैंड एक मंदिर के लिए, जो मंदिर हर जगह पे खरीदी गया, हर लैंड को खरीदा है, यहाँ पे हार्मोनी को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ आप देखिएगा, देखोगे आप मंदिर के बाजू में मस्जिद है, मस्जिद और चर्च भी है, ये अनोखा चीज है। एंड दिस इज, ये हमें भी सीखने की जरूरत है, हमारे वहाँ पे भी बहुत सी ऐसी। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम विशाल आहूजा। सॉरी सर, मैं आपको मतलब आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, शायद मैंने आपको देखा हो, आपकी कोई वीडियो देखी हो, या आपने कभी कोई मेरी वीडियो देखी? जी, जरूर देखी है। ठीक है, मेरा दोनों मुल्कों के लिए यही पैगाम है, जैसे हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हाँ। आपके पास भी इंशाल्लाह अगर इमरान खान आ गया तो पाकिस्तान की भी तरक्की दिन रात और बढ़ती जाएगी। एक चीज मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि जैसे इमरान खान साहब के हवाले से काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडियन, तो मेरे ख्याल से अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो कि बहुत उम्मीद है, लेकिन अगर वो बनते हैं तो रिलेशन कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। क्या कहते हैं आज के इस इवेंट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? और पूरी दुनिया में जिस तरीके से इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसकी वजह क्या है? या कोई मैजिक होता नजर आ रहा है, या फिर क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष है, ऐसा इंसान पूरी धरती पे आज की तारीख में ऐसा प्लैनेट पे नहीं है, ठीक हो गया? और ऐसा बनना भी मुमकिन नहीं है, ठीक हो गया? पर मोदी है तो मोदी है तो ही मुमकिन है, मोदी है तो ही मुमकिन है। आप इलेक्शन भी आने वाले हैं आपके वहाँ पे, क्या हमारे तो इलेक्शन हो गए आप सबके सामने? 400 पार भैया, हम तो 10 साल की बात कर रहे हैं, आप नेक्स्ट इलेक्शन की बात करो, ये इलेक्शन तो फोरगॉन कंक्लूजन है। ये आप देखिए, आप ये देखिए, मोदी साहब ने सिर्फ और सिर्फ 52 मिनट्स बात की यहाँ पे, ऐसा ही है, ठीक है? उनको जरूरत ही नहीं है इलेक्शन की बात करने की, बिल्कुल उसके अंदर इलेक्शन के हवाले से उस तरीके से कोई जिक्र नहीं। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म में सिर्फ यूएई और इंडिया की पार्टनरशिप की बारे में, अच्छा जो उन्होंने स्पीच किया उसमें से सबसे अच्छी बात जो आपको लगा टेक्निकली कि यार ये जो बात है पूरी दुनिया के लोगों को, खासतौर पे लीडर्स को ये करनी चाहिए और समझनी चाहिए? देखो, हर आदमी को, हर यूएन, हर लीडर को याद रखना है कि जो कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के साथ रिलेशन कैसे बढ़ाया जाए और उस कंट्री को क्या राइट पैगाम दिया जाए, ऐसा ही है कि क्या हम भाई हैं। उन्होंने हर बार इवेंट, अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में हो बहुत बढ़िया रहेगा, उससे अच्छा सारे क्रिकेटर जरूर जरूर हम सिंध के जरूर आएंगे। अच्छा, आप भाई, हम सिंध के, एक बात बता रहा हूँ, एक ही माँ के दो बिछड़े बैठे हैं, कहीं भी मिल जाए। एक बात का मैं भी चैलेंज करता हूँ, कुछ लोग मुझे भी अक्सर ये कहते थे कि भाई इंडिया से लोग रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, आप अपना करें हम अपना करते हैं। नो डाउट अपना अपना ही करना है, लेकिन ये चीज मैं गारंटी से कहता हूँ कि मोस्टली इंडियन जो खासतौर पर एजुकेटेड इंडियन है और मोस्टली पाकिस्तानी जो अवेयरनेस रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं, वो हमेशा रिलेशन बेहतर करने की बात करेंगे, क्योंकि हमसाया, हमारे वहाँ पे कहा जाता है हमसाया माँ जाया, यानी कि माँ की तरह का होता है, हमसाये को चेंज नहीं कर सकते, हमें अपनी सोच को चेंज करने की जरूरत है। हमारे लिए तो यहाँ पे सारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम साथ में रहते हैं, हमें पता भी नहीं है कि कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है, हमारे लिए एक ही है, और जब मैच होती है सबसे मजा वहाँ आता है। काम कर रहे हो इस मामले में, ठीक है? अच्छा, कोई फायदा होगा आपको लगता है कि भाई इन वीडियोस का? अभी सोशल मीडिया से मैं तो देख रहा हूँ बहुत से लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, बहुत से लोग अपनी सोच बदल रहे हैं, लाइक पाकिस्तान से हो या दूसरे साइड से। सर, क्या कहना चाहेंगे आने वाले टाइम में ऐसा इवेंट अगर पाकिस्तान में देखने को मिले, पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे वहाँ पे भी हंगलाज माता मंदिर है, वहाँ पे हमारे कराची में बहुत से मंदिर है, चरता पीठ हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से अगर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करेगी तो पीपल टू पीपल, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बेहतर होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा आएगा, हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है सभी के सामने है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा तो ये वही लोग हैं जो हमें
ना सिर्फ मुश्किल वक्त में साथ देंगे बल्कि हमारे जो है वो रिलेशन भी बेहतर होंगे। सर पाकिस्तान और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक ही हो जाना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन है लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है सर, ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान जो जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं ना वो मोदी है तो अच्छा ये इसी बात पे सर मैं बोल रहा हूँ, मुमकिन तो नहीं है ये। लेकिन इमरान खान का जो आजकल इनका जैसे मोदी की तरफ वो लोग ये भी काम कर रहे थे, अभी तो इनको जो भी है इनको सजा हो गया, जो भी सिचुएशन है अभी हम भी उससे मतलब संतुष्ट नहीं है इस ये फैसला से। मेरे हिसाब से आप एक बार मोदी जी को अपना कंट्री में लेके इनको भी विजिट के लिए एटलीस्ट कम से कम। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो और मोदी है तो मुमकिन है यही सब बोल रहे थे और सीरियसली सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं अपने पीएम से। काश के ऐसा होता कि हम सब भी इतने ज़्यादा प्राउड होते अपने पीएम पे और इतने ज़्यादा खुश होते अपने मुल्क से और अपनी गवर्नमेंट से। उफ मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का पीएम एक हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात जा रहे हैं ना अभी, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, इस ये अगर ऐसा ही सब कुछ रहा ना तो बहुत जल्दी ये भी शायद हो ही जाएगा, क्योंकि इंडिया को अपना पूरा का पूरा भारत, अखंड भारत वापस चाहिए। सो हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हम लोग बोले ये नहीं हो सकता। हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कि यकीन सोचा भी नहीं होता कि ये हो सकता है, वो सब कुछ हो जाता है। तो फिर ये तो बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ होगी अगर मुझे लगता है, क्योंकि सिचुएशन और हालात मुल्कों के देख के पता लगता ही है। और यार इमरान खान, क्या आप सब भी इमरान खान के फ़ैन हैं? क्या आपको भी लगता है कि इमरान खान आएगा तो अच्छा होगा? इमरान खान आया था और इमरान खान के आने के बाद उसने इंडिया से ट्रेड रोक दी जब आर्टिकल 370 हटा था, आप लोगों को सबको पता है। फिर ये इतने ज़्यादा इंडियंस इमरान खान के फ़ैन्स हैं, मैं ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूँ। सीरियसली मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इंडिया में भी इतने ज़्यादा इमरान खान के सपोर्टर्स होंगे जो उनको उतना अच्छा समझते हैं और उनको लगता है, मतलब लोगों को लगता है कि वो आएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझती और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगती। मुझे लगता है कि इमरान खान को जो मौका मिला उसने हालात बिगाड़े ही हैं, उसने कुछ भी संवारा नहीं था। उसने ना सिर्फ मुल्क अपने मुल्क को बिगाड़ा बल्कि इंडिया के साथ जो थोड़ी बहुत ट्रेड थी ना वो भी ख़त्म की, हर चीज़ ख़त्म की है उसने। और दोबारा उसके आने का चांस है तो नहीं, बट वही बात, ये होने को कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों की जो वीडियो थी स्टार्टिंग में देखा, बच्चों के कितने अच्छे रिव्यूज़ थे। यहाँ के बच्चे होते हैं ना, उनसे आप जाके पूछो कि इंडिया के बारे में तो बोलेंगे इंडिया हमारा दुश्मन है और वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं और वो ये है वो है। आपको यही मोस्टली आपको बच्चों से के मुंह से यही सुनने को मिलेगा। कोई एक आधी होगा जो कि अच्छा बोले और वो बोले कि हाँ इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए। बट मैं बोलूँगी इनका, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के लोगों का माइंड सेट चेंज होने में और कितना वक्त लगेगा, कितना। ये अगर लोग चाहें ना, लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लोग चाहें तो मुल्कों के हालात बेहतर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए जो यहाँ पे सिर्फ नाम की है। बहुत अमेजिंग वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको देख के मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है शेब की वीडियोज़ आजकल देख के, खासतौर पर जो इंडियन के उनके रिएक्शन होता है वो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलती रहूँगी ऐसी बहुत सी वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, जल्दी थैंक यू सो मच वॉचिंग।